अफवाहें काफी उड़ती हैं कि वोटिंग के बाद अंकों से छेड़खानी की गई है, किसी ने चुनावी नतीजों में धांधली की है या फेक वोटिंग करवाकर चुनावी नतीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है। कई बार देखा गया है कि चुनाव के समय लोग अपने घरों से दूर होते हैं, जिसकी वजह से वह चुनाव के समय वोट भी नहीं डाल पाते और उनकी जगह किसी और से वोटिंग कराई जाती है। इस तरह की घटनाओं से जुड़ी काफी खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिनसे इन सभी बातों पर रोक लग जाएगी। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। किसी भी चुनाव में बहुत से वोटर्स ऐसे होते हैं जो नौकरी या किसी दूसरी वजह से पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं दे पाते, जिस वजह से ना तो उन्हें अपने एरिया से खड़े हुए उम्मीदवार के बारे में पता होता है और न ही वह इसमें भाग ले पाते हैं। तो चुनाव आयोग ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे वोटर कभी भी बैठे कहीं भी बैठे वोटिंग प्रोसीज्योर में हिस्सा ले सकते हैं। तरीका है RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन। चलिए पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। EVM की तरह ही RVM के लिए किसी तरह के इंटरनेट या कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। यह मशीन उन लोगों के लिए लाभकारी है जो दूसरे शहर में रहते हैं और वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाते। इन लोगों के लिए अलग से RVM सेंटर्स बनाए गए हैं। RVM सेंटर्स पर जाकर वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी ले सकता है, जैसे उसके क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हुआ है। वोटर के सामने कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकता है। इस तरह से मतदाताओं को वोट डालने के लिए वो जहां है वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाई गई इस रिमोट वोटिंग मशीन में एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। अब सवाल है कि RVM के तहत वोट डालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो जो भी वोटर किसी दूसरी जगह रहता है उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए वह ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड का यूज कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उसे चुनाव आयोग के पास भेज दिया जाएगा, जहां से वेरिफिकेशन होने के बाद आप RVM का यूज कर सकते हैं। वोटिंग वाले दिन सिर्फ आपको अपना वोटर आईडी कार्ड स्कैन करना है और आप आराम से वोट दे पाएंगे। अब एक अहम सवाल कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो चुनाव आयोग का कहना है कि रिमोट वोटिंग मशीन यानी RVM अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित करेगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदान में कमी के पीछे बड़े कारणों में से एक घरेलू प्रवासियों का मतदान न कर पाना भी शामिल है। अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे मतदाताओं को इस तरह की सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो मतदान करने के लिए आएंगे। अगर RVM की सुविधा को लाया जाता है तो वाकई में इससे कई लोगों को आसानी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।